हेलो फ्रेंड्स, सोहम रिटेल के चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम आपको सिंपल सा एक मैसेज देना चाहते हैं या एक हमारी एक सोच है, अगर हम वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। अगर आपको ये सोच पसंद आए तो आप सिर्फ इसको 3 लोगों में शेयर कीजिए। हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोग इस पर अवेयर हो सकें, लोगों दूसरों की हेल्प कर सकें। हेल्प करने के कई तरीके होते हैं, हमें ये तरीका सबसे बेस्ट लगा तो हम आपको अपनी सोच बता रहे हैं। अगर आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। स्वागत है। आज आपको तो ये पता ही होगा कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हमारे पास इंक्वायरियाँ भी बहुत आ रही हैं फोन्स की और हम उसका आंसर भी दे रहे हैं। हमारा जो सर्विस सेंटर वाला नंबर है 7827274747 अब वो अवेलेबल है, आप उस पर कॉल्स और मैसेज दोनों कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। पर कुछ लोगों की इंक्वायरी ये थी कि हमें फ़ोन्स कब मिलेंगे। सर, जब तक लॉकडाउन दिल्ली में रहेगा तब तक हम फ़ोन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, जैसे ही लॉकडाउन हटता है हम आपको फ़ोन प्रोवाइड करा देंगे। सेकंड, लोगों की इंक्वायरी ये भी है कि सर आप बुकिंग कर रहे हो, आपके पास स्टॉक कौन सा है, आप क्या हुआ है। उस सब के लिए हमने अपना सर्विस सेंटर नंबर 7827274747 वाला नंबर अवेलेबल रखा है। आप उस पर व्हाट्सएप चाहो व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉलिंग चाहो कॉलिंग कर सकते हो। आपका वो नंबर पे आपको पूरी इंक्वायरी दी जाएगी और सब कुछ आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं एक और नए टॉपिक पे जो सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई है, जिसके कारण हम लॉकडाउन की इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। सर, लॉकडाउन में लोगों का अब कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हमने उस लॉकडाउन पे हमने अपने आप पे अमल किया है। सर, एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आप लॉकडाउन में लोगों की हेल्प कर सकते हो। वो कैसे? कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे हम सारे लोग घर पे हैं, ना कोई काम कर पा रहे, बिजनेस वगैरह कुछ नहीं कर पा रहे, लॉसेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पर इसमें हम एक चीज अपने आप से एक चीज कर सकते हैं, वो है क्या? सर, हम अपने नॉर्मली जो हम मैंने अमल अमल किया है इस चीज़ पर, आप भी वही चीज़ कर सकते हैं। सर, आपको सिर्फ करना क्या है, अपने ड्रॉर, अपने घर, अपने सामान, इन सारों को आपने सेटल करना है। सेटल करना है कैसे करना है, आपने अपने कपड़ों को सेटल करना है, अपने कपड़ों को, सिर्फ अपने कपड़ों में से जो आप कपड़े नहीं डालते, जो आपके नए के नए पड़े हैं, जो आपने कभी आज तक छुए भी नहीं है, उसे निकाल के आप लॉकडाउन या लॉकडाउन के बाद वो गरीबों में, अपने वर्कर्स में और किसी में भी आप जो उन्हें डाल सके या उनका साइज हो उनको दीजिए। उसके अलावा आप चाहें तो सेकेंडली अपने घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हुआ हुआ है जो आप ठीक नहीं कराना चाहते, आप नया ला चुके हैं, और जिस एग्जांपल के तौर पे आपका फ्रिज खराब हो गया, आप उस पर 2200 रुपये नहीं लगाना चाहते, 2500 रुपये नहीं लगाना चाहते, आप कोई ऐसे नीडी इंसान को दे दो जो इसको 2000 रुपये लगा के उसके घर में फ्रिज का काम करे वो। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे कई ऐसे सूट्स होते हैं जो हम नहीं डालते, हमारे पास बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जो हम नहीं स्टडी कर रहे, या बहुत सारे हमारे पास पेन पड़े होते हैं घर में, वेस्ट सामान पड़ा होता है जो हमने आज तक यूज़ ही नहीं किया, 5 महीने 6 महीने तक हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं और जो पड़े पड़े ख़राब हो जाता है। ऐसी चीज़ों को हमें लोगों को बांटना है कि हाँ यार, पर ये नहीं है कि हम जैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है भैया पहले बांटने से पहले उसकी फ़ोटो जरूर खींचे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको नॉर्मली तरीके से जो आपका सामान निकलता है आपको वो बांटना है, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, कोई चार्ज नहीं लेने। इससे आपके 2 फायदे होंगे, घर में आपकी ड्रॉर वगैरह जो भी सामान आपका वेस्ट पड़ा है वो आपका यूटिलाइज हो जाएगा। सेकेंडली, किसी की मदद हो जाएगी। हम नए नए सूट्स लाते हैं या कोट पैंट ले लिया, जैकेट्स ले ली, हमें फिर वो नहीं आ पाती तो हम ये सोचते हैं यार ये जब हम पतले होंगे तब डालेंगे, फिर उसका ट्रेंड चला जाता है, वो वेस्ट हो जाते हैं, फिर हम उसको कहते हैं इसको फेंक दो, इसको कुछ किसी को दे दो। उससे बेटर अभी आप लोगों के घर फ्री हो सारे, सबके पास टाइम है, आप हो सके तो अब इन चीज़ों को यूटिलाइज करो और लोगों को वो चीज़ें बांटो, लोगों को दो कि हाँ हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हैं, हम इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर को क्लीन करो, जो आपके यूज़ में बिल्कुल नहीं है सामान, उस सामान को आप लोगों को बांटना शुरू करो कि हाँ ये नहीं है लॉकडाउन में ही आप लग गए, आपने सिर्फ लॉकडाउन में अपने घर की सफाई करनी है, जो चीज़ आपकी यूटिलाइज में नहीं आती उस चीज़ को आपने अलग से पैकेट बना के या बॉक्स में या किसी चीज़ में रखना है, जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब आपको लोगों को जिस हिसाब से आपका जो नीड में नहीं है वो बांटनी है।
कई बुक्स होती हैं हमारे लिए बहुत महंगी होती हैं और हम उसको रद्दी वाले को बुला के दे देते हैं ले जाओ। पर कोशिश करो कि स्कूल वगैरह में या ऐसे जगह पे जहाँ इसकी नीड है या ज़रूरत है वहाँ इन बुक्स वगैरह को दीजिए। आपको सेकंड कईयों को ये लगता है कि सर हमारे पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे माइक्रोवेव हो गया थोड़ा सा ख़राब हो गया हमने साइड पर रख दिया, हमने किसी को ठीक करने बुलाया उसने 4-5 हज़ार रुपये मांगे, हमने कहा 4-5 हज़ार रुपये और डाल के हम नया ले आए, वो माइक्रोवेव काफ़ी टाइम से घर पड़ा है, मशीन हो गई, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसी हज़ारों चीज़ें होती है जिनकी मार्केट कॉस्ट हमें ख़राब होने के बाद 500-1000 रुपये, पर किसी को आप दोगे वो 1000-2000 रुपये लगा के ठीक करा के घर यूटिलाइज कर लेगा। तो सोहम रिटेल की नई वीडियो आज जो है आपको सोहम रिटेल के लिए नहीं है, कोरोना वायरस में कुछ लोग जो अपने आप को फ्री बैठे हैं, जो आराम से घर में ये चीज़ें कर सकते हैं, जिन्होंने आज तक अपनी उनको ये नहीं पता मेरी अलमारी में क्या कपड़े पड़े हैं क्या, उन्हें एक बार उठ के उस अलमारी को अपने घर को एक बार साफ करना है, जो वेस्ट की जो उसके यूटिलाइज नहीं होती चीज़ें वो उसे छाटनी है और वो उसे बांटनी है। सिर्फ आपको यही करना है और कुछ नहीं करना, कोई पैसों से हेल्प नहीं करनी है, जो आप कपड़ा दोगे वो इंसान जो लेके जाएगा वो डालेगा, जो आप उसको सामान दोगे वो ठीक करा के रखेगा। अगर ऐसा करने से आपकी जो वेस्टेज है वो यूटिलाइज हो जाएगी और आगे जो आपका जो जिसको आप दोगे उससे आपको थोड़ा, पर उससे ये उम्मीद मत करना कि इसको दूंगे तो मेरा नाम बनेगा या कुछ होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। जिसको आप दोगे ये सोच के देना कि मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे इसको देनी है चीज़, मेरे को हेल्प करनी है, कोई फोटोज़ नहीं लेनी, कोई उस चीज़ की कुछ नहीं लेनी, सिर्फ उसको कहना ये ले जा। मतलब आप किसी को भी दे सकते हो, अपनी फैमिली में दे दो, अपने आगे रिश्तेदारों में दे दो, अपने अगर कोई नीडी है उसको दे दो, आपके घर कोई काम करता है उसको दे दो, आपका कोई गार्ड है उसको दे दो, आपके शोरूम के बाहर कोई गार्ड है उसको उठा के दे दो, कुछ भी करो तो सिंपल ये हेल्प हो जाएगी आपकी, ये बहुत बड़ी हेल्प होगी। और इससे अगर हम आज भी अपने घर से 5-5, 7-7 चीज़ें भी निकालनी शुरू करें तो मेरे ख्याल से जिनको इसकी नीड है और जो इनकी कदर जानते हैं बहुत सी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी और आपको खुद अच्छा लगेगा, आपका सामान आपको लगेगा कि हाँ यार ये मैं डालता नहीं था तो ये मैं यूज में नहीं थी। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमने कोरोना वायरस के उस चक्कर में बनाई थी कि ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो कि हाँ हम हेल्प कैसे करें, ज़रूरी नहीं है कि हम पैसा दे के खाना खिला के हेल्प कर सकते हैं, हम अपनी वेस्ट चीज़ों को निकाल के भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई और इसको शेयर और सब्सक्राइब कर देना, सिर्फ ये भी हेल्प हो जाएगी ताकि जो लोग को ये हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो उन तक मैसेज पहुंच पाए। थैंक यू। बाकी जैसे ही हमारी शॉप सोहम रिटेल खुलेगी, जैसे ही डेली की न्यूज़ आएगी तभी हम शॉप ओपन करेंगे, उससे पहले कोई हम ओपन या ऐसा कोई डिलीवरी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे, अभी कोई भी डिलीवरी नहीं होगी, जैसे शॉप ओपन होगी तो डिलीवरियाँ शुरू हो जाएंगी। थैंक यू।